नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लोहारू के मंडोली काला गांव में प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने कहा, जब भी हमारी पार्टी से स्वार्थी लोग बाहर गए उतनी ही हमारी पार्टी और मजबूत हुई। लोहारू के मंडोली कारा गांव के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे अभय चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनावों से पहले लोग यह मान बैठे थे कि भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन हालत ऐसे बन गए कि प्रयास के बाद भी तीसरे मोर्चे का गठन नहीं बन सका। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी चट्टान की तरह मजबूत हो गई है, जब जब हमारी पार्टी से स्वार्थी लोग बाहर गए उतनी ही हमारी पार्टी मजबूत हो गई, इसी के कारण उनकी पार्टी ने लोहारू से जीती है। पूरे प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के हल्का वाइज मीटिंगें रखी हुई है, और उन मीटिंगों में जहाँ संगठन को हमने नए सिरे से बनाया, उसको कैसे मजबूत आधार दिया जाए उसके बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं। वहीं उसके साथ साथ विधानसभा के आगामी चुनाव में कौन किस विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बने, इसकी जिम्मेवारी भी कार्यकर्ताओं की लगा रहे हैं। हमने हमेशा अपना टिकट जो है कार्यकर्ताओं से पूछ करके दिया, और जिसको कार्यकर्ताओं ने चाहे उसको टिकट दिया, और कार्यकर्ता ने उत्साह के साथ उसको विधायक बनाने का काम किया। अब एक इशू और नया है, विशेष रूप से SYL का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से SYL के ऊपर सरकारों को लिखा है, मैं मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पंजाब की सरकार के साथ बातचीत करने की बजाय अब तो प्रधानमंत्री से समय लेकर के अपना पक्ष मजबूती के साथ रखें, और प्रधानमंत्री से कहें कि इस नहर के निर्माण का काम अब आप शुरू कराओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आपको ये हिदायत दे दी कि आप इस हमारे फैसले को लागू कराएं। अगर कहीं ये लोग पंजाब के साथ बातचीत करेंगे, अगर कहीं कोई कमेटी बनाएंगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इनकी मंशा नहीं है कि हरियाणा प्रदेश को SYL का पानी मिल जाए। ये हमारा पानी जो है इस बहाने से रोकना चाहते हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है वो चट्टान की तरह मजबूत है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में स्वार्थी नेता तो पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जब कभी भी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए स्वार्थी लोग बाहर जाते हैं, तो और ज़्यादा मजबूती के साथ संगठन को बड़ा खड़ा करते हैं। यही आज एक कारण है, आपने देखा था कि किस तरह एक गांव की सभा के अंदर हजारों की संख्या में लोग आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि हमारी जो जिम्मेवारी है आपको चिंता करने की जरूरत है, उसको अच्छे ढंग से निभाएंगे। MLA फिर यहाँ से चुनाव लोहारू से साहिल गिरधर की एक रिपोर्ट।